हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि 2S कोच और जनरल कोच में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोगों को दोनों में फर्क पता नहीं होता है। तो मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि ट्रैवल ब्लॉग। सबसे पहले 2S कोच के बारे में बात करते हैं। 2S का मतलब होता है सेकेंड सीटिंग और इसका मतलब है कि आपको बैठ के ट्रैवल करना है। इसका रिजर्वेशन IRCTC वेबसाइट से मिल जाता है। आप देख रहे होंगे मालवा एक्सप्रेस में 2S का रिजर्वेशन मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि आप 2S का रिजर्वेशन करा सकते हो। आपको सीट नंबर मिलेगा और आप सीट पे बैठ के आराम से जा सकते हो। बहुत सारे लोगों को तो 2S जनरल कोच लगता है, जनरल कोच 2S कोच लगता है, जबकि दोनों बिल्कुल अलग है। कोविड में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो तब से जनरल कोच बंद था। 1 जनवरी 2022 से जनरल कोच की सेवाएं फिर से चालू हुई। आप तो सोच रहे होंगे 2S कोच और जनरल कोच में अंतर तो मैंने बताया ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं, जनरल कोच में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। इसका टिकट IRCTC के वेबसाइट से भी नहीं मिलता है। इसका टिकट आपको रेलवे के काउंटर से ही मिलेगा। हाँ, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन है लेकिन लोगों को कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जनरल कोच के लिए टिकट काउंटर ही बेस्ट है। इसमें कोई सीट नंबर नहीं होता है। आप जनरल कोच में कहीं भी बैठ सकते हो। ट्रेन में जनरल कोच सबसे आगे और सबसे पीछे लगा हुआ रहता है। तो अब आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 जनवरी 2022 से जनरल कोच में सेवाएं फिर से चालू हुई है। ये रहे आपके स्क्रीन पे 20 ट्रेनों के नाम जिसमें जनरल कोच की सुविधाएं फिर से चालू हुई है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।